कुमार और अभी आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हम आए हुए हैं बेगूसराय जिला के खोदावंतपुर प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र में। मेरे मतलब अभी कृषि विज्ञान में प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे विद्यार्थी हैं, टीचर भी हैं और विधायक साहब भी आए हुए हैं और मेरे साथ दो चार विद्यार्थी हैं जिनके हाथ में सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है। इनसे हम बात करके आपको दिखाते हैं किस चीज़ का सर्टिफिकेट है और क्यों मिला है और क्या करने के लिए यहाँ पे आया लड़का लोग, इससे हम बात करके दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ घर हुआ? खोदावंतपुर। ये क्या है सर्टिफिकेट? किस चीज का सर्टिफिकेट है? पेड़ दिए थे ना, आम का पेड़, वही का सर्टिफिकेट। मतलब आम का पेड़ कहाँ से लाए थे तुम? अगल बगल घर के अगल बगल। मतलब वो जहाँ मतलब लावारिस जिस टाइप का होता है उस टाइप का पेड़? हाँ। मतलब वहाँ से क्या कैसे करके लाए हो? उखाड़े। हाँ। उखाड़ के स्कूल में दिए तब सराय लेने। स्कूल का क्या नाम? राजकृत मध्य विद्यालय खोदावंतपुर। तो मतलब ये बात बताया कौन तुमको की लावारिस पेड़ लाओ तो ये होगा? कृषि विज्ञान वाले सर गए थे। गए थे स्कूल पे गए थे? सर का नाम पता? नहीं, सर का नाम नहीं पता। तो सर्टिफिकेट मिला ना? हाँ। और फिर आगे आप क्या करोगे? अच्छा, और पेड़ लाएंगे। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? खोदावंतपुर। आइए दूसरा लड़का, इससे हम बात करके आपको दिखाते हैं। क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार। कहाँ घर हुआ? खोदावंतपुर। मतलब तुम भी लावारिस पेड़ ला के दिया तो सर्टिफिकेट मिला? सर्टिफिकेट मिला पर लावारिस पेड़ दिए। देख रहे होंगे कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय बिहार लिखा हुआ है और ये जो बच्चा लोग को मिला है उत्सुकता, ये बच्चा लोग को आगे बढ़ाने का प्रक्रिया कृषि विज्ञान कर रहा है कि बच्चा जो मतलब लावारिस पेड़ इधर उधर होगा, पेड़ मतलब खत्म हो जाएगा या बकरी खा ले या कोई खा ले, वो पेड़ को बर्बाद नहीं करना है, पेड़ को लाना है और कृषि विज्ञान में देना है। कृषि विज्ञान में देखे अगर वो पेड़ लग जाए तो अच्छा फल देगा, इसके लिए बच्चा को सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन से स्कूल से हो तुम? राजकृत मध्य विद्यालय। पापा का क्या नाम? श्याम प्रसाद महतो। सर्टिफिकेट जैसे लिया है तुम, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हुसैन, खुश है? आप जैसे पेड़ और देखोगे तो क्या करोगे? आठ लाख के देंगे कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा बात है। चलिए दूसरा लड़का है, इससे तीसरा हिस्से भी हम बात करके आपको दिखाते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सोहन कुमार। कौन सा स्कूल में हो तुम? राजकृत मध्य विद्यालय खोदावंतपुर। और कहाँ हुआ? खोदावंतपुर। सर्टिफिकेट तुमको यही मिला पेड़ ला करके दिया? यस सर। कितना पेड़ ला करके दिया था तुम? 83 गो पेड़। 83 पेड़। 83 पेड़ आया कहाँ से? घर के आसपास था, घर के आसपास ही मिला पौधा उतना। मतलब किस चीज का पेड़ था? आम का। सिर्फ आम का था या कुछ और था? नहीं, सिर्फ आम का। सिर्फ आम का था। हाँ। तुम कितना पेड़ दिए थे? 60। 60 पेड़। तुम? 61। 61। मतलब कितना पेड़ मांगा, कितना पेड़ गया था? बोले थे क्या बोला? जितना दे सकता वो उतना ले ले। और यहाँ के बच्चा से हमने बात किया और बच्चा से बात करके आपको दिखाया और मेरे साथ अभी बने रहिए। हम आए हुए हैं वृक्षारोपण और एवं राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत कवरेज करने के लिए और यहाँ पे विधायक जी आए हुए हैं, करते हैं उसके बाद। सर आज यहाँ का क्या कार्यक्रम था? देखिए यहाँ का कार्यक्रम रामपाल जी आपको विस्तार से बताने का काम किए और मैडम खास करके विस्तार से सबको बताए और हम भी किसान मिले को कैसे लाना, जो पेड़ पौधा तैयार किया गया है और वह भी बच्चे लोग तैयार किए, यह तो बहुत ही सराहनीय काम यहाँ के पदाधिकारी प्लस आपके जो प्राध्यापक, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दिया हूँ कि आप इस ढंग का पूरे क्षेत्र में करवाइए जिससे कि यहाँ के किसान बंधु सब लाभान्वित हों। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर रामपाल जी ने आपसे कुछ मांग की है सड़कों के, इसके बारे में क्या कहेंगे? सड़क का मांग किए और एक शेड, क्या चीज़, कमिटी और लैट्रिन, ये सब जो है ना, हम ये अपने पीए को भेज करके दिखवा करके और इस बार हम उसका काम शुरू करवाने का कह रहे हैं। पूर्व में आए थे और अब वर्तमान में भी आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र, इससे क्या असर लग रहा है? जो इस बार परिवर्तन बहुत, अच्छा, इसमें सर दो शब्द कहा जाए, आप जैसे पशु शेड है ये सब उस समय नहीं था, ये सब बनवा करके पशु वहाँ पर नजर आ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया काम किए हैं वैज्ञानिक साहब। इसी तरह से और भी काम करते रहे लोग, किसान को बुला करके ज्यादा से ज्यादा बताने का काम करें। तो जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र है तो क्या जिला के किसानों को इससे लाभ मिल पाती है? अब यही तो हम कहे कि खेती सब जगह चल करके तीनों प्रखंड में भी दिखाइए, जिला स्तर का है, जिला में भी होना चाहिए, बेगूसराय का एक लोता है कृषि, तो यहाँ से ही सभी पूरे जिला का अथी मिलेगा। और पुनः हम इनसे कहना चाहते हैं कि जिला स्तर का हो और जिला में इतना बढ़िया हो जाए
कि दूसरे जिला के लोग भी आकर के देखे हमारे यहाँ। आप अपनी तरफ से किसानों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो किसान भाइयों से आग्रह किए हैं कि आप यहाँ जुड़िए और वैज्ञानिक साहब अच्छे अच्छे हैं, आप इनसे सीखने का काम करें और फसल लगाने का काम करें। और लोग कहते हैं कि किसान खेती करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, या कोई भी कहते हैं या गलत कहते हैं, किसान ही इस देश का सबसे बड़ा हाथी है। अगर किसान नहीं रहे तो क्या खाएं, खाना क्या खाइएगा, पैसा तो खा नहीं सकते हैं, तो इससे लाभ मिलता है। लोग बड़गड़ा रहे हैं कि खेती में लाभ नहीं है, या गलत बात कहते हैं लोग, इसको समझ। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI, NH31, सुशील नगर, बेगूसराय।